नमस्कार, मैं मीना लेमेने, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भाईजान का जलवा बरकरार, सोशल मीडिया पर तस्वीर हो रही वायरल। अब बैंक कर्मी बोले, मांगे पूरी नहीं हुई तो चुनाव में भुगतना पड़ेगा खामियाजा। 8 घंटे में खड़े रहकर पढ़ने वाली दिव्यांग छात्रा ने किया टॉप, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने किया सम्मानित। अब देखते हैं खबरें विस्तार। मुंबई बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान अपनी आगामी फिल्म भारत में व्यस्त है। पिछले कुछ दिनों से अब तक फिल्म के सेट से कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अब सलमान खान की एक और फोटो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। नई दिल्ली अपनी विभिन्न मांगों को लेकर देश भर के बैंक कर्मचारी जंतर मंतर पर जुटे हैं। इस दौरान बैंक कर्मियों ने अपनी मांग और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। बैंक कर्मियों का कहना है कि मोदी सरकार ने अगर उनकी लंबित मांगों को नहीं माना तो इसका खामियाजा सरकार को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सोमवार को देश भर से बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पहुंचे। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए। नई दिल्ली राजधानी के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली एक दिव्यांग छात्रा रिया चौधरी को शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सम्मानित किया। दिव्यांग होते हुए भी रिया ने हौसलों की उड़ान भरी की सबको पछाड़ते हुए सत्र 2017 और 18 की 12वीं की परीक्षा में 76% अंक प्राप्त किए। बता दें कि सत्र 2017 और 18 में उम्दा प्रदर्शन करने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों को एक्सीलेंस इन एजुकेशन सम्मान से दिव्यांग श्रेणी में 33 बच्चों और सामान्य श्रेणी के 167 छात्रों को सम्मानित किया गया। छात्रों को सम्मानित करने के लिए शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को आमंत्रित किया गया था। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।